खबर ग्वालियर से है, जहां सोमवार दोपहर 20 मिनट में हुई 1 करोड़ के सोने की डकैती में 24 घंटे के अंदर ही बड़ी सफलता पाली है। दिन दहाड़े डकैती का मास्टरमाइंड प्रोफेसर का ड्राइवर चेतन निकला। चेतन को पता था कि दोपहर के समय प्रोफेसर घर पर नहीं रहते हैं। घर में 1 करोड़ से ज्यादा का माल रखा है। कुछ ही दिन पहले यह गहने प्रोफेसर लॉकर से निकाल कर लाए हैं। ड्राइवर को गिरफ्तार कर पुलिस ने डकैती डालने वाले 6 में से 3 बदमाशों को उठा लिया है। 2 को झांसी से पकड़ा है। इनसे 400 ग्राम सोना मिल गया, जिसे प्रोफेसर दंपति ने पहचान भी लिया है। प्रोफेसर के घर से बेटी का लूटा गया मोबाइल की लोकेशन कानपुर में आ रही है। एक टीम कुछ बदमाशों की तलाश में कानपुर गई है। बुधवार को पुलिस पूरे मामले का खुलासा करने वाली है। शहर के गोला का मंदिर इंद्रमण नगर पंचशील नगर निवासी एसके दीक्षित MITS के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बतौर प्रोफेसर पदस्थ है। सोमवार दोपहर वह संस्थान में थे। घर पर उनकी मां 80 वर्षीय कलालता देवी, पत्नी 45 वर्ष श्वेता व बेटी शिवांगी दीक्षित अकेले थे। तभी दोपहर 2:49 पर 2 बाइक सवार होकर 6 बदमाश उनके घर के बाहर पहुंचे। पहले एक युवक ने दरवाजा नॉक किया, प्रोफेसर की पत्नी ने गेट खोला। इस पर युवक ने बोला, उनको प्रोफेसर साहब ने भेजा है, वो भी 5 मिनट में आ रहे हैं। बाहर गर्मी बहुत है, जब तक आप गेट खोल दीजिए मैं अंदर बैठ जाऊंगा। प्रोफेसर की पत्नी गेट वहीं खुला छोड़कर प्रोफेसर को कॉल करने लगी। इसी समय पीछे से 2 बदमाश और उसके साथी अंदर पहुंचे और महिला पर कट्टा तान दिया। इसके बाद प्रोफेसर की बेटी आई, उस पर भी बदमाशों ने कट्टा अड़ा दिया। इसके बाद बदमाश अलमारी से पुश्तैनी जेवरात लगभग 20 लाख रुपए के होंगे और 60,000 रुपए नगद लूटकर ठीक 3:09 पर निकल गए। दिन दहाड़े डकैती कांड की जब पुलिस अफसरों ने पड़ताल शुरू की तो सभी बदमाशों का हुलिया देहाती लग रहा था, पर उनका तरीका पूरी तरह प्रोफेशनल था। पर पुलिस को एक ही बात खटक रही थी कि बदमाशों ने आते ही कट्टा अड़ाया और आलमारी के लॉकर की चाबी मांगी। इससे यह साफ था कि बदमाशों को पता था लॉकर में गोल्ड है। यह जानकारी किसी करीबी को ही पता हो सकती है। इसके बाद पुलिस को पता लगा कि पंचशील नगर में प्रोफेसर का ड्राइवर चेतन रहता है। उनका घर के अंदर भी आना जाना है। उसे पता था कि गोल्ड घर पर लेकर आए हैं। इसके बाद उस पर नजर रखी और मोबाइल की CDR खंगाली तो अच्छी खासी हलचल नजर आई। इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर चेतन को उठा लिया और कुछ ही मिनट में दिन दहाड़े डकैती के तार खुलते चले गए। ड्राइवर ही पूरी घटना का मास्टरमाइंड निकला है। पूरी प्लानिंग और इन्फॉर्मेशन उसकी थी। पुलिस ने इस कार्यवाही में अभी तक ड्राइवर सहित 4 बदमाशों को पकड़ा है। ड्राइवर को पंचशील नगर से उठाया है, उसके एक साथी को मुरैना रोड को और 2 को झांसी से उठाया है। इसके अलावा पुलिस को प्रोफेसर के घर से उनकी बेटी का लूटा गया मोबाइल की लोकेशन कानपुर में मिली है।